अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत सिंपल तरीके से सीख और पराठा। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और बनाने में बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं ये किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। आटा गूंदने के लिए मैंने 1/2 किलो मैदे का आटा ली हूँ। उसमें हम डालेंगे 1 चुटकी नमक और डालेंगे 1 चम्मच तेल और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को गूंद लेंगे। देखिए आटा गूंदकर हो चुका है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसके चारों तरफ लगा लेंगे तेल को और इसको ढक्कन ढककर हम रख देंगे और सीख बनाने की तैयारी करेंगे। देखिए मैंने 1/2 किलो मटन का कीमा ली हूँ मशीन का और इसको मैंने धोकर अच्छे से पानी निकाल कर ले ली हूँ। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें डालेंगे 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया और इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्ची 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और डालेंगे 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर और इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस, नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से और डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर। इन सारी चीज़ को हमें अच्छे से मिक्स करना है। देखिए ये सारी चीज़ खीमे में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अभी हम इसके सीख बनाएंगे। देखिए सीख बनाने के लिए मैं पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हर किसी के घर में सीख बनाने की स्टिक नहीं होती है तो हम पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं खीमा लूँगी हाथों में। इस तरीके से हमें पेंसिल को रखना है। देखिए खीमे को हमें इस तरीके से चारों तरफ से दबाना है और पेंसिल को गोल घुमाते रहना है। देखिए हमारी सीख बन चुकी है। अभी हम पेंसिल को निकाल लेंगे आराम से। ये देखिए इस तरीके से हमें सीख बनाना है। देखिए सारे सीख हमारे बनकर हो चुके हैं। अभी हम इसे साइड में रखेंगे और पहले पराठा बना कर लेंगे। आटे को मसल कर मैंने देखे रोटी के साइज के गोले बना कर ले ली हूँ। अभी हम इसे बेलेंगे। रोटी बेलकर हो चुका है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा और इसको हम चारों तरफ से अच्छे से लगा लेंगे। अभी हम इसको फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करके फिर हमें इस तरफ से फोल्ड करना है। अभी हम इसके ऊपर सूखा आटा लगाकर इसको बेलेंगे। पराठा बेलकर हो चुका है। अभी हम इसे सेक लेंगे। गैस पे मैंने तवा रख दी हूँ। तवा गर्म हो चुका है। अभी हम इसे सेक लेंगे। 1 मिनट तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम पराठे को पलट लेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे तेल। तेल डालकर फिर से हम इसको पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। अभी हम इसके ऊपर भी तेल डालेंगे और इसको पलट देंगे।
इस साइड से भी हमें अच्छे से सेकना है। देखिए पराठा हमारा दोनों साइड से अच्छे से सेक चुका है, अभी हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरा पराठा भी हमें इस तरीके से ही बनाना है। देखिए सारे पराठे बनकर हो चुके हैं, अभी हम सीख बनाएंगे। उसी तवे में मैं डालूंगी तेल। तेल डालकर हो चुका है, अभी हम सीख रख लेंगे। अभी हम इसे बारीक आंच पर ही पकाएंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। और इसको अलट पलट कर हम पका लेंगे। धीमी आंच पर ही पकाना है हमें, ताकि हमारा कीमा भी अच्छे से गल जाए। फिर से हम इसे दूसरी साइड पलट कर पकाएंगे, ताकि हमारा कीमा जो है अच्छे से पूरे तरह से पक जाए। देखिए सीक हमारी सब तरफ से अच्छे से पक चुकी है, अभी हम इसे प्लेट में निकालेंगे। देखिए सारे सीक बनकर हो चुके हैं, अभी हम चटनी पीसेंगे। चटनी पीसने के लिए मिक्सर के जार में हम डालेंगे 4 हरी मिर्ची, थोड़ी सी कोथमीर डालेंगे, जीरा आधा चम्मच और 2 चम्मच तक के हम दही डालेंगे इसमें। नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से। इसको अभी हम बारीक पीस लेंगे। देखिए मैंने पराठा ली हूँ, अभी हम इसमें डालेंगे पीसी हुई चटनी और सब तरफ इसे लगा लेंगे। इसके ऊपर अभी हम रखेंगे टमाटर और इसके ऊपर अभी हम रख देंगे सीख और रखेंगे इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए प्याज और ऊपर से डालेंगे और थोड़ी सी चटनी और इसे फोल्ड करेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा सीख पराठा बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना सीख पराठा कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।